हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है एक पॉलिनोमियल ये वाला, और इसके जीरोज का डिफरेंस का स्क्वायर वो 144 गिवन है। हमें पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगेन हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है और इस पॉलिनोमियल के जीरोज के डिफरेंस का स्क्वायर 144 गिवन है, तो हमें इस पी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। आसान है, समझ में आ गया, तो चलिए फिर करते हैं, लेट अस डू। तो हमें दिया हुआ है गिवन पॉलिनोमियल, वो लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। इसे नाम दिया वन। कंपेयरिंग वन विद जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें मिलता है ए एक्स्ट्रा कोफिशियंट जो कुछ नहीं है तो वन है, बी एक्स्ट्रा कोफिशियंट पी हो गया, और सी कॉन्स्टेंट टर्म 45 हो गए। कंपेयर करने पर हमें ये चीज़ें मिल गई। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज क्या होगा, फिर अल्फा प्लस बीटा लिखना चाहो तो लिख दीजिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा ये होगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी, बी की वैल्यू है पी, ए ए की वैल्यू है वन, यानी कि ये माइनस पी हो गया। अल्फा प्लस बीटा इजगल टू हाया माइनस पी, और क्या दिया हुआ है गिवन, इनके सम तो ये आ गया, इनका जो डिफरेंस है उसका स्क्वायर वो है 144 144 ये आपको दिया गया है। अब हमें अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है उसकी भी ज़रूरत होगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इजकल टू होगा, लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिखी है, सी बाय ए, और सी की वैल्यू 45 है, ए की वैल्यू 1 है, 45 1 तो 45 ही हो गया, डायरेक्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है, इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा इजल टू 144, ठीक। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला आपके पास है, वो है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और एक माइनस टू अल्फा बीटा पहले ही है हमारे पास, तो जो ये वाली जो चीज़ आई है वो इसको सोल्व करके आई है, इसका फार्मूला है ये, इज दैट क्लियर। अल्फ़ा प्लस बीटा, अब इनकी वैल्यू पुट करना चाहें तो वो कर दीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 45 है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, माइनस पी स्क्वेयर माइनस यहाँ पे 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए नहीं तो 2 इंटू में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 45 है वो पुट कर देंगे, इसी तरह से यहाँ पर भी पुट कर दिया। हमें मिलता है पी स्क्वेयर माइनस 90 माइनस 90 माइनस 180 144, पी स्क्वेयर की वैल्यू आई 144, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा और आपको मिलता है 384 किसका स्क्वायर रूट होता है। तो ये मेथड तो आपको आता ही होगा, 8th क्लास से आ रहा है, 1 1 इज 1, 3 माइनस 1 2 2 4 1 1 2। अब यहाँ क्या आए, एक यहाँ छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, 2 10 तक जा रहा है तो 9, वैसे तो ये 4 है तो ये 8 ही कुछ होना चाहिए, या फिर 4 तो आता है 8 में और 2 में, तो एक बार 8 ही ले लेते हैं, 8 64 4 6 8 16 16 6 22। देखा आपने, 9 से करते तो बड़ी वैल्यू आती है यहाँ पर, तो ये एग्जैक्ट है क्योंकि मुझे पता है कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और ये ऐसे निकलेगा, और 8 से ही ये 4 आ सकता है, 8 8 64 होता है क्योंकि, तो क्या आया 8 8 18, 18 का स्क्वायर पी स्क्वायर हो गया, तो पी की वैल्यू होगी प्लस माइनस लेंगे यहाँ पर, प्लस माइनस 18,
पी की वैल्यू ये आई है, ये आपका आंसर होगा। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।